नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अद्भुत प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिमोसा पुदीका। हिंदी में इसे छुईमुई और लाजवंती भी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे ज़रा करीब से देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह एक अर्नामेंटल प्लांट है। यह अपनी पत्तियों की खासियत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके खिले खिले पत्ते बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे ही इसे हाथ से टच किया जाता है ये एकदम से मुड़ जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे टचमीनाट भी कहा जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण यह बच्चों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बच्चे इसके मेजिकल रिएक्शन को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेसिकली यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसे पॉट में लगाकर इंडोर भी रखा जा सकता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ही हल्के पिंकिश कलर के रोएदार फूल भी लगते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए, इसको छूते ही देखिए कैसे बंद हो जा रहा है। इसको इनके पौधे, इनके पत्ते इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही टच किया जाता है जैसे ये डेड हो जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम मुड़ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल से एकदम सिकुड़ जाते हैं पत्ते इसके। देखिए, बिल्कुल ही मुड़ गए। मैं इनको जैसे ही टच करता हूँ, खिले खिले पत्ते बिल्कुल, ये देखिए एकदम बिल्कुल से सिकुड़ जाते हैं। दोस्तों, टचमीनाट को बीज या कलम दोनों के द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में इसकी एक पुरानी डाल से कलम लेकर के हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे हम दाब कलम के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको इसे कलम के द्वारा ग्रो करना कभी बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे दाब कलम से कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसकी एक डाली चूज कीजिए जिसमें आपको दाब कलम लगानी है, और उसके आसपास के पत्तों को निकाल दीजिए, तोड़ के हटा दीजिए। इसमें बहुत ही मजबूत छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक खुरपी से डाली, एक ऐसी डाली चूज करें जो ज़मीन से बिल्कुल टच करती हो। डाली के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बनाएं। और गड्ढा बनाने के बाद डाल को उसी में दबा दें इस तरीके से। इसमें पूरी तरह से दबा दें डाल को, और डाल को दबाने के बाद ऊपर से फिर मिट्टी से इसे कवर कर दें, पूरी तरह से ढक दें। अच्छी तरह से दब जाए जिससे हवा चलने पर या अपने आप यह निकल लेना। देखिए, इस तरीके से पूरे इसको दबा दें, और दबाने के बाद इस पर पानी डाल दें। मिट्टी में दबाकर इस अच्छे से आप वाटरिंग कर दें आप, और ऐसे ही इसको 20-25 दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसमें रूट्स निकल आएंगी, फिर इसको यहाँ से काट करके अलग कर लें, और आपका एक वहाँ से एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, टचमीनाट को फुल सनलाइट बहुत पसंद है, लेकिन इसे सेमी शेडेड एरिया में भी लगाया जा सकता है जहाँ दिन के कुछ घंटे धूप आते हों। टचमीनाट को मिट्टी की जहाँ तक बात है तो किसी भी तरह की मिट्टी में इसे लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसके पत्ते और फूल अच्छे से खिलें और इसकी अच्छी सी ग्रोथ हो, तो दोस्तों इसके लिए अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो 50% मिट्टी और 50% रेत का मिश्रण लें, या तो कोकोपीट मिला लें। यदि इसे गार्डन में लगा रहे हैं तो वहाँ जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि अगर
इसके रूट्स के पास पानी जमा होगा तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और वाटरिंग का भी ख्याल रखें, गर्मी के मौसम में इसे डेली वाटरिंग करनी चाहिए, लेकिन सर्दी के मौसम में इसे तभी वाटरिंग करें जब आपको सरफेस एरिया पूरी तरह ड्राई लगे। डस्टबिन नट की अच्छी ग्रोथ के लिए महीने में एक बार लिक्विड खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों, इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ होती है, इसलिए एक बार जब यह फ्लावरिंग इसमें अच्छी तरह हो जाए तो फ्लावरिंग के बाद आप इसे इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, जिसे आप इसे अपने मन मुताबिक अपने आकार में ला सकें। दोस्तों एक ख़ास बात कि यह पौधा बहुत ही बेहद सेंसिटिव होता है, तो दोस्तों इसमें ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए, अन्यथा जो है कि पौधे के रूट्स सड़ सकती हैं और पौधा मर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम इसी तरह गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।